तो टीम इंडिया की शर्मनाक हाराई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले की। टीम इंडिया के पास सुनहरा मौका था ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, क्योंकि इससे पहले टीम इंडिया ने कभी भी वनडे इतिहास में किसी भी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप नहीं किया था। लेकिन इस सीरीज में टीम इंडिया के पास मौका था, क्योंकि शुरुआती दो वनडे मुकाबले टीम इंडिया आसानी से जीत चुकी थी और इस मुकाबले को जीतती तो ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप कर देती, एक नया रिकॉर्ड बनाती, यानी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता कि ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया क्लीन स्वीप करती, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप नहीं किया। लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 66 रन से मुकाबला हार गई और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की शर्मनाक हार आई है। तो क्या कुछ घटा इस मुकाबले में बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और जड़ दिए 352 रन 7 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में। और बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर ने 56 रन की पारी खेली, 34 गेंद ली, 6 चौके और 4 लंबे लंबे छक्के लगाए। और उसके बाद बात करें मिचेल मार्श की, तो मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 96 रन बनाए मात्र 84 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के लगाए। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने 74 रन की पारी खेली, 61 गेंदें ली, 8 चौके और 1 छक्का लगाया। और उसके बाद मार्नस लेबुशेन ने 72 रन की पारी खेली, 58 गेंदें ली, 9 चौके लगाए, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 352 रन जड़े और टीम इंडिया को 353 रन का टारगेट दिया। और जब टीम इंडिया इस रन चेस को करने उतरी तो टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार हुई। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 81 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने मात्र 57 गेंदें ली और 5 चौके और 6 लंबे लंबे छक्के लगाए। तो टीम इंडिया की शुरुआत शानदार हुई थी, लेकिन आज एक एक्सपेक्टर तरीके से टीम इंडिया ने शुरुआत की थी। वॉशिंगटन सुंदर ने आज टीम इंडिया के लिए ओपन किया था, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं सके थे। लेकिन रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिला दी थी। उसके बाद बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने 56 रन बनाए, 61 गेंद ली, थोड़ी सी स्लो उनकी थी ये पारी, और जिसमें उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर ने 48 रन की पारी खेली पिछले मुकाबले में, एक तो 5 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, लेकिन इस मुकाबले में 48 रन ही बना पाए और अपनी टीम को मुकाबला नहीं जिता पाए। उन्होंने 43 गेंदें ली, 48 रन बनाए, 1 चौका और 2 छक्के लगाए। उसके बाद केएल राहुल मात्र 26 रन बना पाए, 30 गेंदें ली और 1 चौका, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए। और सूर्य कुमार यादव, जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे, 72 रन की तूफानी पारी खेली थी, मात्र 37 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। आज के इस मुकाबले में फिर से फ्लॉप साबित हुए, 7 गेंदें खेली, मात्र 8 रन बनाए और 1 ही चौका लगाया पाए। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने जरूर कोशिश की, लेकिन 36 गेंदों में 35 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। और जिसके बाद टीम इंडिया सिर्फ 286 रन बना पाई 10 विकेट के नुकसान पर। 49.4 ओवर खेले, पूरे 50 ओवर टीम इंडिया नहीं खेल पाई। इस मुकाबले में टीम इंडिया 66 रन से मुकाबला हार गई। अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीतती तो ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर देती और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता, क्योंकि इससे पहले और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को किसी भी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं किया था। अच्छा मौका था टीम इंडिया के पास इस सीरीज में क्लीन स्वीप करने का, लेकिन टीम इंडिया के सामने जैसे ही एक बड़ा स्कोर कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, वैसे ही टीम इंडिया धराशायी हो गई और मात्र 286 ही रन बना पाई। ऐसा नहीं था कि टीम इंडिया क्लोज गई, मुकाबला गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। टीम इंडिया 286 रन ही बना पाई और 66 रन से जो मुकाबला हार गई। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अगर टीम इंडिया यह मुकाबला जीतती तो वर्ल्ड कप में जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पर होता, क्योंकि 8 अक्टूबर को टीम इंडिया को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से ही मुकाबला खेलना है और यह वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पहला मुकाबला होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं कंगारू का कॉन्फिडेंस बड़ा होगा इस मुकाबले से। ग्लेन मैक्सवेल ने टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, 4 विकेट निकाल दिए, कोई ना कहीं स्पिन के सामने फंस गई टीम इंडिया और 4 महत्वपूर्ण विकेट निकाले ग्लेन मैक्सवेल ने। पहले रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर, 4 विकेट निकाले ग्लेन मैक्सवेल ने, जिसके बाद टीम इंडिया उन्हीं झटकों से उभर नहीं पाई और 66 रन से यह मुकाबला हार गई। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया 8 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को चेन्नई में हरा पाएगी, नहीं हरा पाएगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।